प्यार जाए बाहर में। तो कितना ऊंचा चढ़ चुके हैं अब, ये देखिए होना दीदी, भैया ही परेशान, भैया खो चुके हैं। तो फाइनली अभी पहाड़ पे चढ़ चुके हैं, बादलों में घुस जाओ ये लो। ये रह गया, इस पे नहीं जाना, उधर जाना है अब, उधर वो जो वाइट वाला पहाड़ है देखो, उधर बस उधर ही जाना अब, उधर जाना है वाइट वाले पहाड़ पे, बाकी का देख सकते हो क्या नज़ारे हैं। अभी हमने सिर्फ 3 किलोमीटर की चढ़ाई की, 3 किलोमीटर की बस, लेकिन यार मज़ा आ गया, बहुत मज़ा। देखिए गाइस, ये देखिए पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार, इतने ऊपर है ना, इतने ऊपर मतलब जिंदगी में ना पहली बार इतना ऊपर आया हूँ, ऊपर आया पहली बार, इसको मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी वरना ये आ नहीं रहता, तू जफ्ती लेके आया हूँ मैं, जन्नत दिखाऊंगा तेरे को, जन्नत पहाड़ की कह रहे थे तो जन्नत में लिया है। अच्छा आ गए हम पहाड़ में, प्यार जाए पहाड़ में, बात तो सही है। गए परेशान, ये बैठ गए विश्राम करने के लिए। हाय गाइस, विश्व को ट्राई करें, अब यहाँ से आगे यात्रा चालू, ठीक है। हर 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 हर, भूख लगी, अब खाना खाएंगे ठीक है, तो वो भंडार दिखाता हूँ मैं, क्या खीर क्या चावल। गजन सुने, बद्रीनाथ सुने, खा लो खा लो खा लो, गद्दारी कर भी ढोकला सूप मोमोज सब मिलता है इधर, तुम देख सकते हो कितना ज्यादा तगड़ा भंडारा होता है, ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ ना मिले। मैं खा रहा हूँ गिरी की बर्फी, थोड़ा मीठा खाना खाने के बाद, मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाया था दाल चावल, यही खाता हूँ मैं, हल्का खा रहा हूँ दाल में, तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है फिर, ठीक है ना, इसलिए तो गाइस हमने एक पड़ाव पार कर लिया है, 2 बजे से पहले पार नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमें रुकना है, स्टे करना है एक दिन और, फिर उसके बाद अगले दिन फिर पार करेंगे, फिर अगले दिन फिर पार करेंगे, ठीक है। ये आधे लोग वहाँ के हैं, ग्वालियर के हैं, भैया ब्लॉगर, भैया मैं ब्लॉगर हूँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, आर जतिन ब्लॉग्स। हर 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 महादेव। गाइस आप यहां से खाई देख सकते हो, सीधे पाताल लोक में नहीं पहुंच रही है, ये नारे, हाँ अपने लिए तो पाताल ही है, ऐसे देख सकते हो यार कितनी ऊंचाई पे है, कुछ पूछो मत।
ढक्का दे देंगे एक और बहुत भयंकर झरना है। देखो इधर ये देखो कितना प्यारा झरना है, कुछ पूछो मत। और देखो एक चीज, ये जो पहाड़ है बादलों में घुसे पड़े हैं भाई साहब। दोस्तों 13,500 फीट की ऊंचाई पर जाने वाले हम, मतलब 13,500 फीट ऊंचा। लेकिन कुछ भी है, मज़ेदार है। लगी 40 कितने कितने किलोमीटर की सुबह चढ़ाई हमारी, 44 किलोमीटर की चढ़ाई है। और अभी सिर्फ कम करीबन 4 आपकी वीडियो बनाने के लिए बस तुम्हारे को दिखाने के लिए कि आप भी आ सकते हो, अगर हम आ सकते हैं तो आप भी आ सकते हैं। लेकिन यार आओ ना, तो खच्चर वच्चर पर मत बैठना यार, मतलब आओ तो अपने दम पर आना, खच्चर वच्चर का सारा मतलब ना। बस यही कहना चाहूँगा। बाकी हर हर महादेव, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। गाइस ये देखो खाई भी हमने तो मैं दिखाई। सब कुछ बताओ मेरे को। ये आ रहा है इसका पानी, अब वो जा रहा है उधर बर्फ में मिलने के लिए। बाकी का यार तुम देख सकते हो कितना ही प्यारा नज़ारा है। ये हमारी टीम के हैं, ये बोतल भर रहे हैं। ये बाकी का ये आगे लंगर चल रहे हैं इधर भाई अपने, और ये अपनी बहरी है नदी, और बाकी का नज़ारे तो वही हैं बस। बर्फीले पहाड़ के पास आ चुके हैं, बर्फ ही बर्फ है इधर गाइस। कैसा लग रहा है देख के, कैसा लग रहा है? जन्नत है, जन्नत है, जन्नत। मेरे से पहाड़ की बोली थी, कह रहे अमरनाथ चल रहे हैं तो जन्नत में भी आए। दस्त लग गए थे, भगवत क्या है इसलिए नहीं मानता। 4 किलोमीटर रह गया, अभी 4 किलोमीटर शेष ला गया से। कैसा लगा? तो गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो हर हर महादेव, हर हर शंभू। करना पासवर्ड नहीं है इसमें। तो गाइस रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा है, मंजिल अभी बहुत दूर है। 5 किलोमीटर जब भी देखो बस 5 किलोमीटर रहती है। ऐसा लग रहा है हमारे को चूना लगाया जा रहा है, अभी काफ़ी दूर है। बाकी का व्यू देखिए, शरण तुम्हारी शरण प्याले तो पी रहा हूँ मैं, के पास आपकी
पर मेरे भोले ये शर्मा की दुहाई है, मेरी बिगड़ी बना दे, मेरी बिगड़ी बना दे, तुमने कोकी बनाई है कि हो तुम शर्म। ये वॉटरफॉल तो गाइस यहाँ पर हो रहा है वॉटरफॉल, सब प्यारा लग रहा है, अलग ही शानदार नजारे हैं। कैसे लगा लग रहा है भैया? कैसे लग रहा है? कारण बहुत ज़्यादा प्राकृतिक खूबसूरती यहाँ देखने को मिल रही है। तो मतलब पहली बार आया फर्स्ट टाइम में मिला? मेरा ही फर्स्ट टाइम, मतलब अच्छा है, सब का फर्स्ट टाइम है तीनों का, बहुत मज़ा आया। गाइस ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर हम आ गए, बहुत ही मजा आया। भैया भैया कैसे नजारे हैं? एकदम शानदार, जन्नत जन्नत के नजारे हैं। पहली बार आयो? सेकंड टाइम। सेकंड टाइम, बहुत मस्त अद्भुत नजारे हैं यार, देखने आना एक बार, खुद पता चलेगी। कैसा लग रहा है इतनी ऊंचाई पे आके? इतने बड़े बड़े पहाड़ है ना ये, क्या ही बताएं यार तुम्हें। यहाँ से अगर वहाँ का भी देखना तो ऐसा लगता है चींटी से, मुझे ऐसा लगा चींटी रेंग रही हूँ उधर। तो गाइस फाइनली शेषनाग जो मंदिर है वो यहाँ से दिख तो रहा है, दिख रहा है यहाँ से, लेकिन यहाँ से कितना दूर लग रहा है भैया? और यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर ऐसा लग रहा है ये रहा, ये मंदिर ही बगल में। जब मैं दिखाऊं तुम्हारे को, ये रहा मंदिर, जब तुम्हारे को भी नहीं दिखाई देगा यहाँ से, लेकिन चलो कोई ना, बर्फ़ के नज़ारे तो ले ही सकते हो। ये देखो बर्फ़ बर्फ़ ये बर्फ़ ये बर्फ़ ये, उधर जाएंगे हम उधर सीधे बर्फ़ ही बर्फ़ है फिर। ये हालत ख़राब हो गई चचा की और भैया की हालत ख़राब हो चुकी है। गाइस यहाँ नदी देखने को मिली है, इतनी शानदार लग रही है ना, देखो मैं दिखाऊँ, देखो ये देखेगी नहीं लेकिन तुम्हारे को, ये देखो ये देखो, बहुत बहुत ही शानदार नज़ारे हैं इसके। ये है झील का पानी, इसमें पता नहीं पानी आता कहाँ से है, लेकिन ये इतनी गहरी बता रहे हैं, ऐसे मैंने किसी से पूछा था तो बता रहे थे इसमें कितना पानी है, पाताल लोक से पता नहीं कुछ ऐसी बात हो रही थी, तो मेरे को पक्का तो पता नहीं है, लेकिन ऐसे शायद हो सकता है क्योंकि जो मैं इस पानी का फ्लो देख रहा हूँ ना, बहुत तेज़ है, बहुत तेज, बहुत तेज, ज़्यादा वाला तेज। तो इतने टाइम से तुम मजाक सोच रहे होंगे कि ये बर्फ़ का पहाड़ नहीं है, लेकिन ये बर्फ़ का पहाड़ है। देखो ये इसके नीचे से बूंदें टपक रही हैं पानी की, अगर ये बर्फ़ का पहाड़ नहीं होता ना तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हारे को, ये देखो ये देखो ये बर्फ़ है, बर्फ़ निकल रही है ठंडी ठंडी, ठीक है। अब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ बंद करके वीडियो। फाइनली दोस्तों मैं फिर बाकी के सारे पीछे रह गए, शेषनाग 1 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। हर हर महादेव, हर हर बना रहे हो क्या जी भैया? हर हर महादेव, हर हर महादेव। चैनल का नाम क्या है? आरजे जतिन ब्लॉग्स। कितने? 550 वो 450। गाइस मैं इधर आ चुका हूँ, मैं सीधे मंदिर पर रुकता, अगर ये नहीं मिलते तो इन्होंने आवाज़ दे दी मेरे को, बाकी के सारे इधर बैठे हुए हैं, ठीक है, परेशान हो चुके हैं। लेकिन ये 10 मिनट पहले आए थे तुम मेरे से, है 10 मिनट, ये मेरे से 10 मिनट पहले आए बस यहाँ पे आके, बताओ ये अभी अभी आके बैठे और हम 1 घंटा रुक के आए थे पीछे,
देखो एक बर्फ दिखा रहा हूँ, बर्फ का पहाड़, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। क्या कह रहे हो? हाय यूट्यूबर, यूट्यूबर की पब्लिक, यूट्यूबर की पब्लिक। या ओके, तुमने खाओगे? नहीं, घर ले जा, मैं भी खा रहा हूँ। मैंने छिनवाया इनसे, मैं भी खा रहा हूँ, भूख लग रही है बहुत जोरों से गाइस, बहुत जोरों से। ये भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। मुझे एक और बात पता चली इस नदी के बारे में। आप देख रहे हो इसके अंदर, ये शेष नदी है, इसके अंदर शेषनाग जी विराजमान है। जिस नाग पर कृष्ण जी ने नृत्य किया था, ये वही नदी है, इसके अंदर है वो। तो कलयुग में शायद वो अपना अवतार लें और हमको दिखाई भी दें। नहीं, जब तक तो हम रहेंगे नहीं घर, घोर कलयुग में लेंगे वो। लेकिन अभी कलयुग चल रहा है, तो बाकी का हर हर महादेव, मिलते रहिए, देखते रहिए। तो गाइस फाइनली ये इस रैन बसेरे में आ चुके हैं, इधर रहेंगे, भैया मिले हैं। तो कैसा लगा, पहली बार आया? बढ़िया, पहली बार आया हूँ भाई। तो कैसा फील हुआ, मतलब इधर आके? बढ़िया है, थकान ज़्यादा हो रही है बस, और कुछ नहीं। तो कुछ अलग मिला देखने के लिए? बस बर्फ मिली, अच्छी लोग है भाई, ठीक है। मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं है? ना खास नहीं, ठीक है, बढ़िया। बाकी बस बाबा है तो इनके लिए खास नहीं है, मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा। मतलब मैंने तो पहली बार देखा कुछ ऐसा, इस चक्कर में मेरे लिए खास है। शायद इन्होंने पहले भी कई जगह जर्नी की हो, की है? हाँ, की है मैंने। तभी तभी इनको नहीं लगा। बाकी का मस्त मज़े से अब कुछ खाएंगे इधर, इधर भंडारा है। तो बस जय बाबा की, और देखते रहिए। बाय बाय। तो गाइस अब हम जा रहे हैं अपने कैंप, कैंप करने के लिए, ठीक है? मेरा फोन तेरे पास है? चाचा के पास है ना। सब कुछ मिला रे भोले, रहमत से तेरी। ये देखो बर्फ, ये देखो बर्फ, उधर बर्फ है, ये देखो ठंडा ठंडा बर्फ का पानी, ये देखो उधर बर्फ है। गाइस इधर बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम है, ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही हैं, तो आवाज़ बैठ चुकी है थोड़ी। गाइस हमने अपना कैंप ले लिया है, और ये है 500 रुपये पर व्यक्ति, 10 लोगों के लिए लिया है अभी, ठीक है ना? तो अब देख लो कितना होगा, 5000 होगा समथिंग। और देखो कैंप कुछ इस प्रकार है, ये कैंप है, ठीक है ना? शायद ये तो कुछ बाग वगैरह के लिए, पता नहीं कौन सा कैंप होगा। ये बगल में ये कुछ ऐसा टेंट है, 500 रुपये पर व्यक्ति। इतना तो होटल में भी चार्ज नहीं किया था, होटल में भी 200 रुपये पर व्यक्ति था, अच्छी फैसिलिटी के साथ। तो गाइस ये कैंप है, ठीक है? ये देखिए ये नाली है, ये कैंप है, एकदम बहुत बढ़िया कैंप है। देखो उसमें लाइट वाइट की सारी फैसिलिटी है, ठीक है? ये देखो पहाड़ वगैरह सब बगल में ही है, ये सब खास कर ये बर्फ वाला ज़्यादा पास में है। तो आप आओ तो सोच समझ के आना, वैसे तो आओगे, क्या सोच समझ के आओगे, लेकिन मैं फ्री बता देता हूँ, 500 रुपये ऐसे लगेंगे, मतलब कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, 7000 रुपये समथिंग आएगा तुम्हारा, है ना? 7000 रुपये में हो जाएगा, 7000 में किराया देना होता है, खर्चा पानी कुछ है नहीं, बस ये कैंप के और होटल वगैरह के देने पड़ते हैं, खुला बस यही है, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ कैंप में, तो जय बाबा की और हर हर महादेव, हर शंभु, मिलते हैं। कैसा लग रहा है आपको इस कैंप के अंदर, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अब बस हमें नींद आ रही है। अगर तुझे कुछ गाइस बोला तो तू कंबल लपेट दूंगा, कंबल लपेट दे। कैसा लग रहा है? कंबल में गर्मी लग रही है, एसी चल रही है इसके अंदर, गर्म वाली मस्त मजेदार टॉप की नींद आएगी बिना कंबल के, ठीक है? गाइस अब ना रात हो चुकी है और हम जा रहे हैं भंडारा खाने के लिए, वैसे खा के आ चुका हूँ, लेकिन मैं वीडियो बनाना भूल गया था क्योंकि मैं बहुत परेशान था वहाँ से आके, थोड़ा सही सा लग रहा है। ये भी खाया, लेकिन दोबारा जा रहे हैं, पानी लेके आना उधर से गर्म गर्म पानी पीने के लिए। आवाज बैठ चुकी है, तुम देख ही रहे होंगे, ठीक है? तो बाकी क्या कहना चाहते हो? गर्म पानी की 2-3 बोतलें भर लाओ,
ये कहना चाहते हैं, मगर जय बाबा की। चलो ठीक है, बाकी देखते रहो और हम दिखाते रहेंगे, ठीक है। तो हर महादेव हर शंभू। तो गाइस हम इधर आ चुके हैं, इधर हो रहा है लंगर। ये देखिए ये लाइन लगी पड़ी है। गुड नाइट। मैं आराम से बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ बैठ चुकी है और बाकी के सब सो चुके हैं, इसलिए मैं ही लेट सो रहा हूँ। आज भी और कल भी मैं ही सोया था। तो बाकी गुड नाइट और मिलते हैं कल। जय बाबा की। हर हर महादेव हर हर शंभू। बाय। गुड नाइट।